Triple kill. ये है वो सेंसिटिविटी, जिस सेंसिटिविटी को अप्लाई करने के बाद आपके 101% लगेंगे ओनली रेड नंबर। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आपका हल्का सा एम करते ही कितने मक्खन की तरह वन टैप लगेंगे। कब लगेंगे? जब आप इस सेंसिटिविटी को अपने गेम में अप्लाई करोगे। और हाँ गाइस, एक और बात, अगर आपका फोन कितनी भी जीबी रैम है, चाहे 2 GB रैम है, 3 GB रैम है, 4 GB या 5, 6, 7, 8, 12 आपके सब डिवाइस पर वर्क करेगी ये सेंसिटिविटी। तो वीडियो छोड़ो, कहीं मत जाना, वीडियो बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है। अब बहुत हो गई बातें, अब बिना कोई देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जनरल सेंसिटिविटी और जनरल सेंसिटिविटी वर्क कैसे करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी ये जनरल सेंसिटिविटी बिल्कुल जीरो है और मैं आपको अब मूवमेंट करके दिखाऊँ कितना स्लो मूवमेंट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पूरी फिंगर अपने घुमा रहा हूँ स्क्रीन पर, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा और हेडशॉट का नाम तो दूर, या तो बॉडी बहुत मुश्किल से लग रहा है, एम ही लोग नहीं हो रहा बनने के ऊपर। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको 100 सेंसिटिविटी, जिसके ऊपर आपको हेडशॉट लगेंगे बहुत ज्यादा। देखा गाइस, और 0 सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं लग रहा था और 100 सेंसिटिविटी पे हेडशॉट लग रहा है। अब मैंने जनरल सेंसिटिविटी के बारे में तो आपको बता दिया कि क्या होती है जनरल सेंसिटिविटी। अब मैं बताता हूँ आपके मोबाइल के हिसाब से आपको जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट क्या रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 2 GB रैम से आपका मोबाइल 6 GB रैम तक है तो आपको रखनी है जनरल सेंसिटिविटी अपनी 100 और आपको अपना रेड डॉट भी 100 ही रखना है। और 2x स्कोप, 4x स्कोप, स्टेपर स्कोप, सबको 100 रखना है आपको, अगर आपका मोबाइल 6 GB और 2 GB रैम के बीच में है। और अगर आपका मोबाइल 8 GB रैम या 12 GB रैम है तो आपको अपनी सेंसिटिविटी रखनी है 80 या 85 जनरल सेंसिटिविटी, और रेड डॉट को रखना है आपको अपना 85 या 95 के बीच में। तो मैंने आपको जो सेंसिटिविटी बताई, उस सेंसिटिविटी को अप्लाई करने के बाद कुछ आपको इस तरह वन टैप लगेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने खतरनाक वन टैप मारे। <स्थाथ>